नमस्कार, हम हैं अंकित सिंह। यहाँ पे शाहरुख खान, आप लोग जानते होंगे, बॉलीवुड स्टार, उन्होंने नए संसद भवन पे अपनी बातें रखी हैं और ऐसी बातें रखी हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन बातों पे भी अपनी बात रख दी है। अब क्या बोला है शाहरुख खान ने, थोड़ा विस्तार से देखिए। सबसे पहले तो एक ट्वीट किया जिसके ऊपर कैप्शन में कुछ बोला है और फिर एक वीडियो बनाई और वीडियो को भी साथ में ही ट्विटर पे शेयर किया। वीडियो में भी शाहरुख खान ने कुछ बोला है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वीडियो शेयर करते वक्त जो कैप्शन में था उन्होंने क्या लिखा है। हमारे संविधान को बनाए रखने वाले, इन महान राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करने वाले और एक व्यक्ति की विविधता की रक्षा करने वाले लोगों के लिए नया संसद भवन कितना शानदार है। नए भारत के लिए नया संसद भवन, भारत के गौरव के सदियों पुराने सपने के साथ जय हिंद। ये इन्होंने कैप्शन में लिखा है। वीडियो में क्या बोला है वो थोड़ा सा आपको बता देता हूं, उसके बाद मोदी जी क्या बोले हैं वो बता दूंगा। वीडियो में बोला, यह नया घर इतना बड़ा है कि इनमें देश के हर राज्य, हर प्रदेश, गांव, शहर के कोने कोने के लिए जगह बन सके। इस घर की बाहें इतनी चौड़ी हैं कि देश की हर जाति प्रजाति हर धर्म से प्यार कर सके। इसकी नजर इतनी गहरी हो कि देश के हर नागरिक को देख सके, जांच सके और उसकी समस्याओं को पहचान सके। जहां सत्यमेव जयते सिर्फ स्लोगन नहीं बल्कि एक विश्वास हो। जहां अशोक चक्र, एक हाथी, घोड़ा, शेर और खंभा सिर्फ एक लोगो नहीं बल्कि हमारा इतिहास हो। ये वीडियो में बोल रखा है। और इस पे मोदी जी ने क्या रिप्लाई दिया है, मोदी जी ने इस वीडियो को रिट्वीट करते हुए लिखा, सुंदर अभिव्यक्ति, नया संसद भवन लोकतांत्रिक शक्ति और प्रगति का प्रतीक है। यह परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ती है। तो बहुत ही सुंदर शाहरुख खान की तरफ से भी मैसेजेस भेजे गए और मोदी जी ने भी वैसे ही जवाब दिया जैसे देना चाहिए। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं बताइए। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बहुत कुछ देखने के लिए।